घर के हेड ऑफिस में पार्किंग की जगह ऑफिस का कार्य किया जा रहा है। वहीं इस मामले पर जनरल मैनेजर से पूछा गया कि बेसमेंट पार्किंग में ऑफिस क्यों चल रहा है। इसका जवाब देते हुए जीएम ने कहा कि ऑफिस टेम्प्ररी चल रहा है, इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि पुराने बिल्डिंग में उनका ऑफिस था, वह जर्जर हालत में है और उसका पुनर्निर्माण होना है, इसी कारण से ये ऑफिस शिफ्ट कर दिए गए हैं। यह कहकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। जबकि अब देखना यह है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इस पर कोई कार्यवाही करेंगे या ये ऑफिस यूं ही चलते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस कैंपस के अंदर एटीएम मशीन में खराब पड़ी है, जिसके कारण आम जनता को परेशानी हो रही है। मामला ग्वालियर के जयेंद्रगंज बिजली घर के हेड ऑफिस का है। ये जो बिल्डिंग जिसमें ये ऑफिस चलता था वो ऑलरेडी सर्वे रिपोर्टेड हो चुकी है, वो जर्जर हालत में है और उसका पूरा निर्माण होना है। उसका ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है, सिविल उसका पूरा प्रोसेस कर रहा है। उसमें नॉर्थ डिवीजन और ईस्ट डिवीजन दोनों चला करते थे उस बिल्डिंग में, तो दोनों को ये बिल्डिंग को वहां से, चूंकि वो डेंजरस हो जाती है, उसको अनुपयोगी बता दिया गया है, तो इसलिए वहां से दोनों ही ऑफिस को शिफ्ट कर दिया गया है। एक ऑफिस तो डिस्पेंसरी से ऊपर शिफ्ट हो गया है वहां पर जहां पर जगह मिली, और ये एक ऑफिस को यहां पे शिफ्ट करना पड़ा है। जैसे ही उसका निर्माण हो जाएगा ये दोनों ऑफिस अपनी जगह पे वापस चले जाएंगे।